इस वक्त हम मौजूद हैं हरिद्वार में बाबा बंसी वाले जी के आश्रम के बाहर। और आप जैसा आप सब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले बाबा बंसी वाले करोड़ों लोगों की आंखें नम करके अपना शरीर त्याग कर चले गए हैं। और इसी बात को लेकर सभी श्रद्धालुओं के लिए हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं। सीधा तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं हरिद्वार से, जहाँ पर आप देख सकेंगे अंदर ट्रस्टी से हमने आपकी बातचीत कराई है। सभी किस तरह से आगे अब कार्यक्रम रहेंगे बाबा जी के जाने के बाद, अब आगे किस तरह से अन्नपूर्णा का जो स्रोत बताया गया है उसको किस तरह से खाती तो कथा होती थी, चले गए वहाँ, परिचय हो गया, बैठ गए। तो अब उनके शरीर त्यागने के बाद भी उसी तरह से भंडारे सब कुछ उनके नाम, बिल्कुल उसी तरह से पूजा पाठ उसी तरह से चलेगा, भंडारे भी चलेंगे बिल्कुल। 1 तारीख से 7 तारीख तक पूजा पाठ हो रहे थे, 7 तारीख को मूर्तियों की स्थापना की गई, बाबा जी ने खुद खड़े होकर के कराया, शाम तक यह काम पूरा हुआ। कि जैसे ही उन्होंने मूर्ति स्थापना की उसके चंद घंटों बाद ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। हाँ, उनका वास उन्हीं मूर्तियों में है, वो यहीं पर हैं, कहीं नहीं गए। हाँ, यही सोचा जा रहा है, यही समझा जा रहा है कि उनके वो कहीं नहीं गए, इन मूर्तियों में ही अपना जीवन को लिए वो बैठे हैं। कार्यक्रम ऐसे ही रहेंगे जैसे पहले होते आए रहे हैं, भजन पाठ कथा यहाँ पर चलती रहेगी, भंडारे चलते रहेंगे। भंडारा कल से शुरू हो चुका है, 21 तारीख को 17वीं मनाई जाएगी। नर सेवा ही नारायण सेवा है, उनका ये ध्येय था, उनका ये विश्वास था कि नर की सेवा ही नारायण सेवा है। बाबा जी के जीवन का लक्ष्य ये था कि कोई भी जीव भूखा मत सोए, उसको हम मिल करके उनकी कृपा से इनके लक्ष्य को पूरा करेंगे। करोड़ों श्रद्धालुओं को रोते बिलखते छोड़ अपने पावन धाम को बंसी वाले बाबा जी प्रस्थान कर गए। नर सेवा नारायण सेवा हमेशा से ही उनका मुख्य स्रोत रहा है। अब बाबा जी के निमित्त होने वाले सभी कार्यक्रम किस रूप से होंगे वो आपको बता देते हैं। शनिवार 17 जुलाई से मंगलवार 20 जुलाई तक प्रतिदिन शाम 4 से 6 बजे तक महापुराण श्री गरुड़ महापुराण की कथा की जाएगी, जिसमें अखंड जाप किया जाएगा। उसके बाद बुधवार 21 जुलाई को सुबह 8:30 बजे हवन व पूर्णाहुति होगी। 21 जुलाई को ही सुबह 10 से 11 बजे तक
पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में होने वाले उच्च कोटि के पूज्य संत द्वारा बाबा जी को श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित किए जाएंगे। बुधवार 21 जुलाई को फिर सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक बाबा जी के प्रति आस्था रखने वाले लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं द्वारा बाबा जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी व श्री गरुड़ महापुराण कथा के अंतिम अध्याय की व्याख्या होगी और 11 बजे से ही ब्रह्म भोज व अखंड भंडारा भी शुरू कर दिया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि हमारा हरिद्वार आकर ये लाइव कवरेज आपको दिखाने का मकसद पूरा हुआ होगा और आपको लाइव दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहें HR71।